लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत में मैं ये सब वीडियो बनाकर दे दे रहा हूं ताकि तैयारी में जो भी आप गलती कर रहे हो ना वो गलती कम से कम मत करो, वरना रिजल्ट के दिन तो सबको अपना गलती दिखाई देता है। एग्जाम से पहले गलती क्या क्या कर रहे हैं ये नहीं दिखता है बाबू, अगर दिखता भी है ना तो लोग उस पर आप खुद डालते हैं पर्दा। चलो इतना मेहनत कौन करेगा, अपनी कमी के ऊपर पर्दा मत डालो। दूसरी बात, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर आप ये कर रहे हैं ना बाबू, इसका मतलब आप तैयारी सही नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मजदूरी कर रहे हैं, और एक मजदूरी करने वाला जितना भी मजदूरी कर ले वो मजदूर ही कहलाता है, वो कभी राजा नहीं बन सकता। हकीकत बता रहा हूं मैं आप सभी को, सबसे पहले सुनना, आप भी तो ये काम नहीं कर रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी बताकर दिया है, पूरा स्ट्रेटजी ये चैनल पर वीडियो पड़ा है, कैसे मैथ पढ़ना है, कैसे रीजनिंग करना है, क्या छोड़ना है, कितना तक करना है। अगर आप कमजोर बच्चे हो, मैं एक नॉर्मल बच्चा को पकड़कर ये स्ट्रेटजी बताया हूं, और यूट्यूब में बहुत चैनल है, आप किसी का भी रणनीति देखना बाबू। अगर आपको इस वीडियो से बेहतर मिल जाए तो बताना, आपको ये स्ट्रेटजी देखने के बाद खुद लगेगा कि भैया जो बताए हैं ना, सच में अगर इस पर काम कर दिया जाए जो प्लान के तहत, तो सच में मेरा भीड़ से अलग पहचान बनकर रिजल्ट निकल सकता है, ये आपको लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो एक बात, सबसे पहले बात ना बाबू, जो आराम वाला जिंदगी है इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आराम वाले जिंदगी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी करने वाला मजदूर ही कहलाता है। आपका बस कॉपी भर रहा है, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, ये तरीका गलत है। पहले सुनना मेरा बात, आप देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग प्रीवियस एग्जाम का फॉर्म आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, आप ये गलती नहीं कर रहे हैं ना, समझना। मान लो बाबू एक चैप्टर है मैथ का, कोई चैप्टर हम पकड़ लिए, एक चैप्टर है मैथ का, ये चैप्टर आपने क्लियर किया नहीं और उस चैप्टर से किताब खोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, ये ना जाने कितने लोग कर रहे हैं, और इसमें गलती छात्र के साथ साथ एक टीचर का भी है। वो गलती क्यों है वो भी समझा दे रहे हैं। मान लो होता क्या है ना, हमारे बिहार वगैरह में कोचिंग गली गली में कोचिंग खुल गया, फर्जी टीचर लोगों का, बच्चा लोग को सेट पे सेट, सेट पे सेट, सेट पे सेट करवाया जा रहा है। अब बच्चा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, अगर आप जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तब तो सही है, लेकिन मैथ का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर कब लगाएंगे, एक तरीका होता है, आप पहले लगा रहे हैं। बाबू अगर उस चैप्टर का आप 500 क्वेश्चन भी लगाओगे ना तब भी वो चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा, अगला 1500 क्वेश्चन करोगे ना फिर आपको अगले 2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। अब पता है आपको ये आराम वाला मेहनत है, आप कॉपी भरे जा रहे हैं, समझना मेरी बातों को, आपके लिए तो अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब खरीद लिए, क्वेश्चन पढ़ा है, बस सॉल्व किए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए, तीसरे क्वेश्चन में अटक गए, अच्छा पीछे में आंसर दिया गया कैसे किए, अच्छा फिर चार ठो किए, फिर अटक गए, फिर देख लिए, बस कॉपी भर रहा है, बस कॉपी भर रहा है बाबू। उसके बाद आप 5000 क्वेश्चन भी करोगे ना, फिर 10000 क्वेश्चन करने जाओगे, फिर आप यही काम करोगे, क्योंकि आसान है, क्वेश्चन पढ़ा है, भरते जाओ कॉपी। अगर एग्जामिनर थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा दिया ना, जबकि क्वेश्चन वही रहेगा, आप फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है आप कोई भी चैप्टर को एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद ये 500-1000 क्वेश्चन पूरा सेट बांधने की जरूरत नहीं है। आप 60 क्वेश्चन भी करोगे ना, आप बोलोगे मजा नहीं आ रहा है करने में, ये 60 क्वेश्चन हर क्वेश्चन बच्चों की तरह बन रहा है, क्योंकि आपने वो चैप्टर क्लियर कर लिया है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना आसान पूछता है, मजा नहीं आ रहा करने में, आप देखना आपको लगेगा ये बात। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर मारे बिना चैप्टर क्लियर किए, मैथ को मैंने बहुत अच्छे समझाया बाबू, आप एक बार आईना में जाना, खुद को देखना और पूछना, तुम 500 क्वेश्चन तो मार लिया, अगला 500 क्वेश्चन जब आएगा तो बिना तुम आंसर देखे पीछे झाके कर पाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा ना, कुछ क्वेश्चन में अटक जाएंगे, फिर हमें आंसर देखना पड़ेगा, तो वो बोलेगा सामने से तुम्हारा चैप्टर क्लियर है, वो बोला कंसेप्ट पूरा क्लियर है उस चैप्टर का, तो आपका सर नीचे झुक जाएगा, चैप्टर तो क्लियर नहीं है, फिर ये मजदूरी क्यों कर रहे हो। एक बात याद रखना, ये मजदूरी करने वाला मजदूरी कहलाता है, और ये तरीका ना बहुत लोग कर रहे हैं, पूरा भीड़ कर रहा है, प्रीवियस ईयर सेट लगा रहा है। प्रीवियस ईयर सेट कब लगाओगे, मैंने आपको क्या बताया लगाना है, कब लगाना है, जब एक चैप्टर क्लियर हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर खोलो, लगाओ क्वेश्चन,
देखो आपने जो भी सीखा है उसके बाहर क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, सब बन रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है भैया। और मैंने तो बाबू आपको मैथ में इतने अच्छे समझाया है बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, अनुपात वाला, मिश्रण वाला, मिश्र एलिगेशन और परसेंटेज, ये चार चैप्टर को एक साथ पकड़ लो और सब पढ़ाए हम एप्लीकेशन पर। ये चार चैप्टर को पकड़ो एक बार, हर क्वेश्चन का नोट्स बनाकर, जितना भी पढ़ाए हैं नोट्स बनाकर हर चैप्टर को क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखो, एक चैप्टर क्लियर हो गया, दो चैप्टर क्लियर हो गया, तीन चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो भैया बताए हैं जित सब क्लियर हो गया, चार क्लियर हो गया। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भैया से क्वेश्चन सीख गया चार चैप्टर कंप्लीट, अब क्वेश्चन मारते हैं। भैया कसम बोल रहे हैं आपसे सीखने के बाद ना, ये बहुत बच्चे बोल रहे हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया हर लग रहा है, मजा आ रहा है, हवा की तरह बन रहा है भैया। और मैंने ये भी बोला है जितने लोग भी बाबू रुद्रा बैच लिए हैं, मान लो चैप्टर क्लियर करने के बाद अगर एका क्वेश्चन ना बने किसी एग्जाम का, तो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप दिए जो कॉल नहीं दे रहा है, आप वहां पर क्वेश्चन सेंड करो, भैया आपसे ये चैप्टर क्लियर करने के बाद एका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, भेजो सिखा देंगे। ऐसे आपको चैप्टर क्लियर करना है, मैंने मैथ को पूरा तोड़कर बताया है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पकड़ लो, टाइम डिस्टेंस पकड़ लो, पाइप सिस्टम पकड़ लो, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट है, इन तीनों का कंप्लीट करो उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ। अब आप बोलोगे चैप्टर क्लियर नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए दो लगाए तीसरा नहीं बना, भैया बता दो, पांच छह बन गया छठा नहीं बना, भैया बता दो। अरे ऐसे आप 5000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, फिर भी आपका दिक्कत, आपका मैथ कभी जिंदगी में कमजोर स्ट्रांग नहीं हो सकता। अच्छा आप ये कर क्यों रहे हैं शुरुआत में? आपको किसी ने बोला है क्या कि एग्जाम 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद है, ये अंतिम समय, आपके पास समय बहुत है भाई, आपको अभी अपना हर एक चीज बहुत अच्छे से करना है, आपके पास समय बहुत है, फिर अपना समय मजदूरी में क्यों गंवा रहे हैं, ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं बाबू? मजदूरी करने वाला कभी राजा नहीं बन सकता है, इस बात को समझना है। मैंने आपको ये भी बोल दिया है बाबू शुरुआत में बहुत लोग एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट करवाएगा शुरुआत में, अब भी आप जाओगे ना एप्लीकेशन पे तो 399 में एग्जाम बढ़ जाएगा उस दिन के बाद, इतना में ना अभी फिलहाल में 90 प्लस का डाटा दे चुके हैं हम आपको, कम से कम दो महीना में, अढ़ाई महीना में उतना पढ़कर 70 तक का डाटा तो अपना तैयार करो। मैथ के 4-5 चैप्टर बचे हैं, एग्जाम से 1.5 महीना पहले डाल दूंगा बाबू, अब टीचर क्या करेगा। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया अगर रीजनिंग है बाबू तो रीजनिंग में तो पूछना नहीं है, तब डाल दिए बम बम, हर चैप्टर क्लियर होगा जो जिस पर उंगली रख दोगे। इसके बाद मैंने ये भी बोला कि बाबू रीजनिंग में ना एक बात पर ध्यान देना, आप मेरे कोर्स से ना रीजनिंग में यहां से लेकर यहां तक चैप्टर पढ़िएगा, जितने भी स्टेटमेंट वाले, पजल वाला, डायग्राम, डिसीजन मेकिंग है, ये पढ़ना, क्योंकि मेरिट बाबू CBT 1 CBT 2 में यही चैप्टर आपका डिसाइड करेगा, मैंने सब करवाया है। लेकिन ये चैप्टर बाबू ये भीड़ करता है, ये भीड़ में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना वो सब करेगा, तो आपको ये तो करना ही है, जो भीड़ कर रहा है हम भी कर रहे हैं तो अंतर का है, तो वो करना है। उसके साथ साथ ये भी सोचना है CBT 1 और CBT 2 में रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है जो मेरे मेरिट बना सकता है, ये वाला, तो कौन टीचर है जो मेरा क्लियर कर चुका है, हम आपको क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। पढ़ना, मेहनत करना, जान लगाना, जो गलती कर रहे हैं उसको बंद करो, क्योंकि गलती बाबू देखो एक बात बोलेंगे, गलती बार बार करने से रिजल्ट नहीं बदलता है, रिजल्ट वही आना है। गलती को सुधारोगे, भीड़ से अलग तरीका अपनाओगे, तब रिजल्ट आपका बदलेगा। इस बात को, मानसिकता को बदलो, हम क्या कर रहे हैं, खुद से पूछो जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ये आपको फैसला करना है। ये एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे आपको यहां पर क्या दिखेगा, तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स, यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला आपको ये लेना है, जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, NTPC ग्रुप डी, RPF, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है, जितने लोग भी लोगे बाबू पहले ये खोलकर
आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूं, चार पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके देखो, यहां पर है स्टैटिक जीके का, जितने भी टॉपिक है बाबू स्टैटिक जीके का, सर टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, देखो ठीक है। उसके बाद से 18 से आपका 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी डाल दिए हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इस मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है। एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा।